महाराष्ट्र सरकार ने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भात डावललेले म्हणून जय विदर्भ पार्टी तर्फे आज वैरायटी चौक येथे बजेट सिर्फ नाम का जनता के किस काम का म्हणत नारे निदर्शने करण्यात आले। विदर्भाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असून अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीमालाच्या नुकसानीची भरपाई सुद्धा या सरकारने दिली नाही। विदर्भातील शेतकऱ्यांचे 18,000 कोटींचे नुकसान झाले पण महाराष्ट्र सरकार फक्त प्रति हेक्टर 5,000 तुटपुंचे अनुदान घोषित केले। हा वैदर्भीय शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे म्हणून जय विदर्भ पार्टी या दुजाभावी अर्थसंकल्पाचा निषेध करत आहे। यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार का अर्थसंकल्प पेश किया उसका हम यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विदर्भ के ऊपर इन्होंने बारंबार इससे पहले अन्याय किया, पर इस बार भी लग रहा था कि कम से कम विदर्भ के उप मुख्यमंत्री है ये विदर्भ, इस वजह से यहाँ विदर्भ की झोली खाली नहीं रहेगी। पर इन्होंने यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लाया, उद्योगों की घोषणा नहीं किया, कि खेती पर प्रक्रिया उद्योग वो भी नहीं उसकी घोषणा किया। यहाँ संतरा प्रक्रिया उद्योग आने वाला था, उसके लिए बजट मिलना था, वो भी नहीं किया। और ऐसे में विदर्भ के जनता की झोली पूरी तरह से खाली है, और इसी का निषेध करते हुए हम यहाँ पर यहाँ नारे निर्देशन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ हम आज 65 वर्ष से साथ में रह रहे, पर 65 वर्ष में आज विदर्भ की जनता के साथ धोखा हुआ, इसलिए उसको स्वतंत्र विदर्भ राज्य चाहिए। वो स्वतंत्र विदर्भ राज्य होगा तभी हमारी अलग से विधानसभा भरी जाएगी, हमारा अलग से अर्थसंकल्प होगा, और हमारी जनता को सही मायने में न्याय मिलेगा, यहाँ पर उसके सारे प्रश्न छूटेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का निषेध कर रहे हैं। जो कि किसानों को मिलना चाहिए, जिसके वजह से हमारे देश का जो किसान वो आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या करने का कारण है कि उनको MSP लागू नहीं हो रहा। MSP सिर्फ गन्ने पे लागू है, क्योंकि उसको प्राइवेट कंपनियां खरीदती है। प्राइवेट कंपनियां खरीदने के वजह से क्या होता है कि जब प्राइवेट कंपनियां खरीदती है तो उनको बजट मिलता है, तो सिर्फ गन्ने के व्यापारी खुश है और धान को किसी प्रकार का कोई भाव नहीं मिलता, जिसके वजह से उनको कर्जा लेना पड़ता है, ठेकेदारों को बेचना पड़ता है, और ठेकेदारों को बेचने की वजह से हमारा जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है।